एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का एक टॉपिक। जो वीडियो को शुरू करते हैं, एरिडिटी का डेफिनेशन क्या होगा? द सम ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस में ट्रांसफर होगा उनके कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो ट्रांसफर उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ऑफस्प्रिंग को आप क्या बोल सकते हो? प्रोजेनी, जो भी बोलना है एक ही मतलब है, ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी, जो आपको बोलना है सही। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो हमें टू टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होगा। एक है पेरेंट्स से ट्रांसफर होने वाले कैरेक्टर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या है? जो हम इस एटमोसफेयर से एक्वायर करें, जैसे कोई रनिंग में बहुत फास्ट है, उसने एक्वायर किया इस एटमॉस्फेयर से, तो उनके जनरेशन में रनिंग वाला वो ट्रांसफर नहीं हो, क्योंकि उसने सिर्फ एक्वायर किया है। कोई बहुत माइंड बहुत शार्प है, माइंड उसने बहुत पढ़ाई किया, बहुत पढ़ाई करके नॉलेज को बहुत बिल्डअप कर लिया, तो उसका वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होगा, क्योंकि उसने एक्वायर किया है, वो जेनेटिक नहीं है। तो ऐसे जो चीजें हैं जो इस एटमॉस्फेयर से एक्वायर करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट। इनहेरिटेंस कैरेक्टरिस्टिक के बाद एक प्रॉब्लम सामने आया। प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक टॉल हाइटेड बॉय या फिर एक शॉर्ट हाइटेड गर्ल अगर शादी हो जाए, तो उनके बच्चे कैसे होंगे? टॉल हाइटेड की शॉर्ट हाइटेड एक प्रॉब्लम था। उसके बाद दूसरा है, जैसे आइस कलर होता है ब्लैक एंड ब्लू, अगर मान लो मेल एंड फीमेल का क्या है, एक का ब्लैक दूसरे का क्या है ब्लू, तो अगर इन दोनों कपल है इन दोनों के, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके आइस का कलर कैसा होगा? तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट है, जो महान साइंटिस्ट, जिसका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि कैसे होगा, कैसे ये सारी चीजें ट्रांसफर होगा, कि नेक्स्ट जनरेशन में ब्लैक होना है कि ब्लू होना है, या फिर शॉर्ट हाइटेड होना है कि टॉल हाइटेड होना है। तो ये सारे जो कैरेक्टर है, सारे जो प्रॉपर्टीज है, इन सारे प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व कर दिया। इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली किसने सॉल्व कर दिया? सॉल्व किया ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट, जिन्होंने सारे जेनेटिक प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व कर दिया कि ये कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक क्यों फादर ऑफ जेनेटिक है? क्योंकि इसने सारे जो जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर ट्रांसमिट होगा, वो सारे प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो कैसे सॉल्व किया, चलो इसको समझते हैं। इसने सोचा कैसा क्या किया जाए जैसे ये जेनेटिक प्रॉब्लम को अच्छे से समझा जाए। तो फर्स्ट उन्होंने सोचा कि अगर इंसान के बारे में अगर वो स्टडी करेंगे तो 2 or 3 जनरेशन तक ही कर पाएंगे। दैट मीन्स वो जेनेटिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरा कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो इसका है लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है, पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम 2 or 3 जनरेशन ही कर पाएंगे। क्या किया उन्होंने, सोचा कि कैसे प्लांट को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हम शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा उसके बारे में, अलग अलग जनरेशन के बारे में स्टडी कर सके। तो इन सारे चीजों को उन्होंने सोचा। उसके बाद उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, गार्डन पी प्लांट। तो उसके बहुत सारे रीजन है, क्या क्या रीजन है गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट करने का, चलो उसको देखते हैं कि क्या क्या रीजन था। फर्स्ट रीजन है कि पी प्लांट एनुअली होता है, मतलब उसका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होगा, जिससे हम कई जनरेशन तक उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं शॉर्ट लाइफ पीरियड में। अगर हम उसके बोले जो जनरेशन है, बहुत सारे जनरेशन के बारे में स्टडी पॉसिबल है, तो ये रीजन था। दूसरा था उसको कहीं पर भी इजीली ग्रो कर सकते, तो कहीं पर भी, हम घर में भी, छत में भी, कहीं पर भी इजीली हम क्या कर सकते, उसको ग्रो कर सकते, तो एक रीजन आ गया। उसके बाद क्या था, पी प्लांट जो है उसके फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, खुद से पॉलिनेशन हो जाएगा मैक्सिमम, हालांकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, बट मैक्सिमम क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन हो सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जब सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए।
अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल दैट मीन्स इसमें मेल गेमिट भी होता है और फीमेल गेमिट, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे एक ही फ्लावर, दैट मीन्स बाइसेक्सुअल हो गया। उसके बाद क्या था, पी प्लांट में बहुत ज्यादा वेरिएशन था, तो पी प्लांट में 7 टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको सिलेक्ट किया गया कि उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। तो जिससे बहुत आसानी से हम ये समझ में आएगा कि कौन सा कैरेक्टर के जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर, सेकंड जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है। तो मेंडल ने उस टाइम वो जीन्स जो अभी हम जीन्स बोलते हैं, मेंडल ने उस टाइम उसका नाम दिया था अलील। क्या नाम दिया था, अलील। तो मेंडल ने उस टाइम अलील नाम दिया था जिसको हम अभी किस नाम से जानते हैं, जीन। अलील जो हर एक सिंगल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट मीन्स टॉलनेस के लिए, डॉफनेस के लिए अलग होगा, उसके सीड कलर के लिए अलग होगा, उसके सीड के लिए अलग होगा, उसके फ्लावर के लिए अलग होगा, तो सबके लिए अलग अलग टाइप के एलील्स प्रेजेंट होगा। जैसे हमारे में जीन्स प्रेजेंट हमारे बॉडी में, तो जीन्स क्या करते हैं, हमारे हाइट के लिए अलग टाइप के जीन्स है, हेयर के लिए अलग टाइप के जीन्स है, नोज के लिए अलग टाइप के, आई कलर के लिए अलग टाइप के जीन्स है। ओके, तो सभी जीन्स अभी, लेकिन उस टाइम जीन्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कोई डिस्कवर नहीं हुआ था, कि मेंडल के डिस्कवर के बाद, इसके बाद ही जीन्स का डिस्कवर हुआ था, राइट। तो इसीलिए जो अलील है उस टाइम मेंडल ने अलील बोला था, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो चलो अब देखते हैं वो 7 जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो क्या कैरेक्टर है जिसके थ्रू मेंडल ने पूरे अच्छे से इनहेरिटेंस को डिस्क्राइब किया है। तो मेंडल के जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे वो क्या कैरेक्टर थे, देख लेते हैं। टाइप ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग वैरायटी। तो क्या क्या वैरायटी था, पहले शेप ऑफ सीड, सीड का शेप कैसे होगा, तो ये होगा फर्स्ट देखा गया कि मोस्टली या तो राउंड शेप होगा, मतलब एकदम राउंड होगा, या फिर दूसरे टाइप के सीड कैसा देखा गया, रिंकल, दैट मीन्स वो राउंड नहीं होगा, ऐसा सिकुड़ा वाला सीड होगा। तो ये दो वैरायटी आ गया सीड का। सीड का कलर कैसा होगा, तो सीड में 2 टाइप का कलर देखा गया, या तो वो येलो कलर का होगा या तो ग्रीन कलर, ये सीड का कलर होगा, ये 2 वैरायटी दिखा क्लियर एकदम। थर्ड क्या देखा गया, कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर कैसे होगा, फ्लावर देखा गया कि 2 टाइप के फ्लावर, वॉयलेट कलर एंड व्हाइट कलर, ये भी वैरायटी आ गई इसमें। उसके बाद क्या आया, कंडीशन ऑफ पॉट, पॉट दैट मीन्स सॉरन, मतलब जो फूला हुआ हमको है, इसका मतलब कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, इसके अंदर में क्या रहेगा, पूरा एकदम फूला हुआ होगा, पूरा भरा हुआ होगा एकदम अंदर से। कॉन्स्ट्रक्टर का मतलब क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का होगा, इसके अंदर में क्या होगा, ये मतलब ये कॉन्स्ट्रक्टेड है। तो आपको अगर देखोगे इसका जो पी प्लांट में जो पॉड होते हैं, आप इसको 2 टाइप से आपको दिखेगा, या तो सॉलन दिखेगा भरा हुआ पूरा, या फिर ऐसा वाला दिखेगा, इसको बोलते हैं क्या, कॉन्स्ट्रिक्टेड। उसके बाद कलर ऑफ पॉड, अब इसका कलर कैसा हो सकता है, एक या इसका एक तो कलर ग्रीन हो सकता है, दूसरा येलो कलर के हो सकते हैं पॉड का कलर। उसके बाद क्या है, फ्लावर कहां पर होगा, एक्सियल और टर्मिनल, एक्सियल का मतलब होता है कि एक्सिस में, ये अगर प्लांट है, ये अगर हम प्लांट ले लें तो एकदम एक्सिस में क्या होगा, ये फ्लावर होगा एकदम एक्सिस में, तो उसको बोलते हैं एक्सियल। टर्मिनल का मतलब होता है ये अगर कोई प्लांट है तो ये साइड से क्या होगा, फ्लावर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल। तो ये कैरेक्टर आ गया। लेंथ ऑफ द प्लांट, तो देखा गया इसमें 2 टाइप के लेंथ होते हैं, एक होगा जो बहुत ही लॉन्ग होगा, लंबा वाला होगा, दूसरा होगा जो एकदम छोटा वाला होगा। तो ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग वैरायटी हैं जो पी प्लांट में क्लियर देखा गया, एकदम क्लियरली दिखता है। तो यही रीजन था कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया, और इसी से हमें पूरा A to Z क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर है वो कैसे ट्रांसमिट होता है 1 generation to next generation। ओके, कॉलम में इस सब के सब क्या है, डोमिनेंट है, इस सब डोमिनेंट है, सब डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट
जो अपना कैरेक्टर को ही नेक्स्ट जनरेशन में शो करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, डोमिनेंट। और डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। जैसे टॉलनेस के लिए हो जाएगा तो यहां पर हम टॉलनेस के लिए यूज करेंगे 2T कैपिटल वाला T। राउंड शेप, अगर राउंड के लिए होना तो R कर देंगे राउंड में। तो अगर किसी भी प्लांट में अगर कैरेक्टर, अगर उसमें से जैसे दो टू, इसको क्या बोलते हैं अलील, टू अलील है, तो दोनों में से एक भी अगर प्रेजेंट होगा नेक्स्ट जनरेशन में तो क्या होगा डोमिनेंट। तो डोमिनेंट अगर प्रेजेंट है तो अपना कैरेक्टर को ही शो करेगा। और दूसरा वाला कैरेक्टर, दूसरा वाला पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब होगा कि अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो अगर इनका एक अलील, इनका एक अलील, दोनों के एक एक अलील है, तो फर्स्ट वाले जनरेशन में क्या होगा रिसेसिव अपने आप को हाइड कर लेगा, वो शो नहीं कर पाएंगे। इसमें से हम देखेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है सीड एंड रिंकल सीड में, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, या टॉल एंड डॉफ प्लांट के बीच में अगर क्या करेंगे हम क्रॉस करते हैं, मतलब टॉल हाइटेड एंड शॉर्ट हाइटेड, इसको क्या बोलते हैं डॉफ, तो इनके बीच में अगर हम क्रॉस कराए तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टाइप के प्लांट हो सकते हैं, या फिर कलर वाइज। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब जिसमें एक ही अलील का ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन में, वन ही ट्रांसफर हो सके, उसको क्या बोलेंगे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो हमने क्रॉस कराना है वॉयलेट फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर के बीच में क्या होगा क्रॉस होगा। तो वॉयलेट फ्लावर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल वी से, और व्हाइट फ्लावर को स्मॉल वी से, राइट। तो ये क्या हो गया, कैपिटल को हमेशा क्या बोलेंगे डोमिनेंट, तो ये क्या हो गया डोमिनेंट है। और ये दोनों क्या है रिसेसिव है। जनरेशन में क्या जाएगा, एक जो भी जाएगा वो तो कैपिटल वी होगा, ये दोनों सेम है तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन में जाना है वो तो स्मॉल वी ही जाएगा। तो अगर इन दोनों में क्रॉस होगा तो फर्स्ट जनरेशन ये दोनों से, फर्स्ट जनरेशन कैसा हो रहा है, ये कैपिटल वी एंड स्मॉल वी। कैपिटल वी देखो ये क्या है डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट अगर प्रेजेंट होगा तो किसी भी सिचुएशन में अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है, एक भी प्रेजेंट है, तो अपना प्रॉपर्टी को ही शो करेगा। तो यहां पर ये कौन सा फ्लावर था, वॉयलेट फ्लावर, तो ये पहला वाला जो था पेरेंट, जिसको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन FP1। लेकिन इस पेरेंट से जो फर्स्ट जनरेशन आया इसको क्या बोलते हैं F1 जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में जो भी फ्लावर्स होंगे वो सारे के सारे फ्लावर्स कैसे होंगे, पूरे फ्लावर्स कैसे हो जाएंगे, ये पूरे वॉयलेट कलर का हो जाएंगे, वॉयलेट वॉयलेट फ्लावर। तो एफ जनरेशन में पूरे फ्लावर क्या हो गया, पूरे के पूरे जो फ्लावर है वो पूरे वॉयलेट कलर का हो गया। अब देखो यहां पर इसमें ये है प्रेजेंट है स्मॉल वी, बट ये क्या हमें हाइड हो गया, मतलब यहां पर ये रिसेसिव है, ये रिसेसिव है, और ये कैपिटल वाला यहां पर ये डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट अगर प्रेजेंट है तो अपना कैरेक्टर को ही शो करेगा, इसलिए यहां पर वॉयलेट फ्लावर ही बनेगा। इसका मतलब फर्स्ट जनरेशन में टोटल जितने भी फ्लावर बनेंगे सब के सब क्या बन जाएंगे, वॉयलेट कलर का बनेंगे, टोटल फ्लावर वॉयलेट कलर का बनेगा। अब यहां पर दो चीज आता है कि अगर अलील है सेम होता है तो सेम होगा, और यहां देखो डिफरेंट है तो उसका नेम क्या बोलेंगे हम, कि अगर सेम होता है सेम टू सेम, देखो ये दोनों सेम टू सेम है, इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस। सेम होगा तो क्या बोलेंगे होमोजाइगस। तो ये दोनों है होमोजाइगस, ये इन दोनों का भी सेम है तो होमोजाइगस हो गया, इन दोनों का भी सेम है तो होमोजाइगस। बट देखो यहां पर ये डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट होता है अलील हम क्या बोलेंगे इसको हेटरोजाइगस, डिफरेंट डिफरेंट अलील प्रेजेंट होगा तो हेटरोजाइगस, सेम सेम है तो होमोजाइगस।
ओके अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जो एफ वन जनरेशन में जो फ्लावर आए हैं हम इसी के बीच में क्रॉस कराएंगे। फर्स्ट जनरेशन में बहुत सारे फ्लावर आए हैं, वो सब के सब क्या है वॉयलेट कलर का, तो वॉयलेट कलर के फ्लावर के बीच में क्या करेंगे हम क्रॉस कराएंगे। अब देखते हैं जब इसके बाद सेकेंड फर्स्ट जनरेशन के फ्लावर के बीच में क्रॉस होगा तो सेकेंड वाले जनरेशन में किस टाइप के फ्लावर्स होगा, तो चलो उसी को देख लेते। ओके तो सेकेंड जनरेशन में क्या देखना है कि जो फ्लावर सब कैसा है पूरे के पूरे, कैसा फ्लावर वॉयलेट कलर का, नहीं टोटल फ्लावर कैसा है वॉयलेट कलर का। बट जब इनके बीच में ही क्रॉस होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में किस टाइप के फ्लावर, चलो देखते हैं। अब देखो टू अलग अलग है तो ये कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी, पॉसिबिलिटी क्या होगा क्रॉस होने का, मान लो इसमें से क्या गया ये कैपिटल वाला वी चला गया, इसमें भी कैपिटल वी आ गया तो कैसा बनेगा ये दोनों कैपिटल वी। अगर इसका ये कैपिटल वी आया इसका स्मॉल वी तो कैसा बनेगा कैपिटल वी एंड स्मॉल वी, राइट टू टाइम हो सकता है, इसके साथ एक बार हो गया इसके साथ एक बार हो गया। अब आ गया ये स्मॉल वाला, हो सकता है इसमें से स्मॉल क्रॉस हो, अगर स्मॉल क्रॉस होगा तो यहां पर एक कैपिटल आ जाएगा दैट मीन्स ये फिर से कैपिटल स्मॉल, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये स्मॉल इस स्मॉल के साथ क्रॉस हो जाए तो क्या होगा दोनों स्मॉल। अब देखो अलग अलग टाइप का आपको दिख रहा है कि ये देखो सब में कैपिटल वी है, मतलब ये जो फ्लावर है ये कैसा कलर होगा फ्लावर का वॉयलेट कलर होगा, बट ये कैसा आ गया लास्ट वाला देखो व्हाइट कलर का आ गया। तो सेकेंड जनरेशन में जब क्रॉस हुआ तो हमें फिर से व्हाइट कलर भी दिखा वॉयलेट कलर भी दिखा, मैक्सिमम वॉयलेट कलर था, इसका मतलब जो रिसेसिव था वो कभी भी दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता है, जो अलील है वो कभी मिक्सअप नहीं होते, वो कभी भी किसी भी जनरेशन में फिर से शो हो सकता है, राइट। तो यही हमें दिखा है सेकेंड जनरेशन में। अब देखो यहां पर दो चीजें आती है जो आपको जानना है, जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप पहला फर्स्ट क्या है, जीनोटाइप, जीनो को मतलब कुछ क्या देखना है इसमें जीन्स को देखना है, टोटल फोर है, फोर में से जीन कितने हैं सेम वाला, ये वाला एक है तो एक का हो गया ये वन रेशियो हो गया कैपिटल वाला। दूसरा देखो कैपिटल स्मॉल का टू रेशियो में है तो कितना रेशियो हो गया इसका टू और स्मॉल वाला वन, दैट मीन्स जीनोटाइप रेशियो कितना हो गया एफ टू जनरेशन में, कौन सा जनरेशन है एफ टू जनरेशन, तो एफ टू में जीनोटाइप का रेशियो कितना है वन रेशियो टू रेशियो वन है। फिनोटाइप रेशियो का मतलब क्या होगा, फिजिकली आपको कैसा दिख रहा है, तो फिजिकली आप देखोगे कि ये थ्री वाला पोर्शन पूरा वॉयलेट कलर है और ये अकेला जो है ये वाला व्हाइट कलर है, इसका मतलब ये थ्री रेशियो वन हो गया। तो यहाँ पर जब फिनोटाइप दैट मीन्स फिजिकली आप कैसे देखते हो, तो फिजिकली जैसे दिखेगा उसी को हम क्या बोलेंगे फिनोटाइप, तो फिजिकली तो ये सब एक ही कलर का है तो ये बोलेंगे हम थ्री रेशियो एक व्हाइट है तो वन, तो ये जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के रेशियो है। अब इसका अगर आपको परसेंट में भी निकालने हैं तो कैसे करोगे, टोटल फोर है 100% को फोर से डिवाइड कर दो तो ये कितना परसेंट होगा, फर्स्ट वाला 25%, अब सेकेंड टू है दैट मीन्स 25 टू 50%, थर्ड वाला फिर कितना होगा 25% का होगा। अब अगर आपको फिनोटाइप परसेंट निकालने बोले एफ टू जनरेशन में 3:1 है दैट मीन्स 75% एंड 25% ये रेशियो में आ जाएगा परसेंट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद अब देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो देखो डाईहाइब्रिड डाई दैट मीन्स टू, डाईहाइब्रिड क्रॉस में टू कैरेक्टर ट्रांसफर होगा एक साथ, तो क्या क्या कैरेक्टर यहां पर है, राउंड सीट, तो राउंड सीट के लिए कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर है राउंड सीट सीट के लिए, और सीट के ऊपर कलर के लिए कौन दोनों वाई, कौन सा कलर होगा येलो कलर होगा सीट। अब देखो स्मॉल आर, स्मॉल आर अगर दोनों प्रेजेंट होगा तो वो रिंकल सीट होगा,
रिंकल मतलब सिकुड़ा हुआ सेल। अगर दोनों स्मॉल में वाई होगा उसका कलर क्या होगा, ग्रीन कलर होगा, ग्रीन कलर के सेल्स होंगे। तो अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है तो हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में किस टाइप के सेल्स होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे, देखो दोनों सेम है आर, इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन में यहां से कोई एक ही आर ट्रांस, दोनों तो सेम है, दोनों वाई में से, दोनों वाई जब सेम है तो एक ही वाई आएगा, दोनों तो सेम ही है। इसमें भी देखो दोनों आर स्मॉल वाला सेम है, तो वन स्मॉल यहां पर वन स्मॉल वाई वाला आ गया। तो एफ वन जनरेशन में तो क्या आ जाएगा, यहां से ए वाला आर आ गया कैपिटल वाला, यहां से क्या आ गया स्मॉल वाला, और यहां से क्या आ गया इस कैपिटल वाला वाई आ गया यहां से, और यहां से स्मॉल वाला वाई। तो दो तो कैरेक्टर है, तो देखो ये तो आर वाल आर कैरेक्टर क्या है, सीड कैसा होगा, ये राउंड होगा कि ये रिंकल होगा, और एक वाई क्या है उसके ऊपर का कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो यहां पर अगर हम देखें ये जो कैपिटल वाला कैसा, ये दोनों ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब दोनों में से एक भी अगर प्रेजेंट होगा वो अपना ही प्रॉपर्टीज को शो करेगा, और रिसेसिव का मतलब ये क्या हो गया अभी, दोनों आर जो है ये हो गया अभी रिसेसिव। तो रिसेसिव दोनों प्रेजेंट होगा तभी अपना कैरेक्टर शो होगा, अदरवाइज वो हाइड हो जाएगा। तो इस केस में कैपिटल आर स्मॉल आर, तो स्मॉल आर जो है वो हाइड हो गया अभी यहां पर, तो कैपिटल आर प्रेजेंट है, इसका मतलब सीट कैसा होगा, राउंड शेप का होगा। कैपिटल आर है तो सीट कैसा होगा, राउंड शेप होगा। कैपिटल वाई है, वाई किसके लिए, कलर के लिए सीट के ऊपर, तो कौन सा कलर होगा, येलो कलर है। तो F1 जनरेशन में पूरे कैसा हो गया, राउंड एंड येलो कलर के सीड हो गए, टोटल के टोटल पूरे जितने भी सीड हो गए सब ऐसे ही सीड हो गए F1 जनरेशन में। कौन जनरेशन है ये, F1 जनरेशन। और देखो इसी से अगर हम कौन सा जनरेशन निकाले, F2 जनरेशन, तब क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या होगा अलील्स का, इसके बारे में करना है। F2 में ये क्या आया था, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये था एफ जनरेशन में। अब इन्हीं के बीच में ही क्रॉस कराना है, दैट मीन्स कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो एक एक का पॉसिबिलिटी कितना है, अब कि देखो इसका पॉसिबिलिटी कितना है, ये हो सकता है कैपिटल आर ट्रांसफर, दोनों में से एक ही ट्रांसफर हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक, तो मान लो पहले ये वाई कैपिटल वाला हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी ट्रांसफर हो सकता है, दोनों में से एक हो गए इन दोनों में से एक, या फिर और क्या हो सकता है कि स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी ट्रांसफर हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी। तो ये फोर टाइप से ये ट्रांसफर हो सकता है दोनों में से। ओके, अब देखो इसका अगर हम क्रॉस करें तो कैसे होगा, राइट। तो फोर कैरेक्टर हमें मिल गया, दोनों आर में से एक ट्रांसफर होगा तो कैसा बनेगा, कैपिटल आर जो ट्रांसफर हो रहा है, अगर कैपिटल वाई के साथ हो गया, अगर एक कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ ट्रांसफर हो जाए, ये हो सकता है, दोनों आर में से एक आर होगा, दोनों वाई में से एक वाई, तो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, स्मॉल आर हो सकता है कैपिटल वाई के साथ ट्रांसफर हो, या फिर हो सकता है स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ट्रांसफर हो। सेम यहां पर भी पॉसिबिलिटी वही होगा, आर वाई आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई दोनों स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, अब देखो जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो कैसा बन सकता है, देखो दोनों आर है इन दोनों के बीच में हो रहा है ऐसा, ठीक है, आर और आर दोनों कैपिटल में है, तो आर आर दोनों कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब इसके साथ इसका इसके साथ है, इस लाइन में जाना है ऊपर, मतलब इस लाइन और इस लाइन ऐसे वाला क्रॉस कराते जाना है हमें। देखो इसके साथ अब इसका होना है, तो आर आर दोनों कैपिटल में आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, अब इसके साथ इसका करना है, तो ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल।
अब इसके साथ लास्ट वाले का तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, यहां पर आर है स्मॉल में, यहां पर कैपिटल वाई है, वाई क्या है यहां पर स्मॉल में, ठीक है। अब इसके साथ करना है, इसके साथ इसका करना है, पहले दोनों का कैपिटल में आर है, एक कैपिटल वाई है और इसका स्मॉल वाई है, अब इसके साथ करना है, तो ये हो जाए कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये दोनों में कैपिटल स्मॉल में वाई है तो स्मॉल वाई, अब एक कैपिटल आर है यहां पर स्मॉल आर है तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां पर कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई, यहां पर क्या स्मॉल वाई तो ये स्मॉल वाई, राइट। अब देखो इसके साथ लास्ट इसका वाला होगा, लास्ट तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और दोनों क्या है स्मॉल में वाई है दोनों में, अब इसके साथ इसका करो तो हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, अब इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब इसके इसके साथ तो ये हो गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, अब इसका इस लास्ट वाले के साथ होगा तो दोनों स्मॉल आर, एक में कैपिटल वाई एक में स्मॉल वाई, अब इसके साथ इसका होगा तो कैपिटल आर है इसमें स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब इसके साथ क्रॉस होगा तो ये होगा आर, इसके साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और वाई दोनों स्मॉल है तो ये दोनों स्मॉल वाई, अब इसके साथ क्या नहीं इन दोनों का होगा तो ये स्मॉल आर दोनों में स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई तो ये हो गया कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, लास्ट में स्मॉल आर तो दोनों में स्मॉल आर है, वाई दोनों में क्या है दोनों में स्मॉल वाई है। अब देखो पहले हमें कलर क्या पता है तो हम कलर देख लेते हैं किसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल कलर देख लेते हैं, अगर एक भी आर प्रेजेंट होगा कैपिटल आर तो एक भी कैपिटल आर प्रेजेंट होने से वो राउंड शेप में होगा, दोनों कैपिटल वाई में से कोई भी अगर एक कैपिटल वाई प्रेजेंट होगा तो वो येलो कलर का होगा, अगर दोनों स्मॉल आर प्रेजेंट है तो रिंकल्ड होगा, अगर दोनों स्मॉल वाई प्रेजेंट है तो ग्रीन होगा, तो फर्स्ट वाला देखो आर और वाई दोनों कैपिटल में है तो ये क्या हो गया राउंड एंड येलो कलर हो गया फर्स्ट वाला, ओके राउंड एंड येलो कलर हो गया, सेकंड देखो कैपिटल आर है कैपिटल वाई है ये भी क्या हो गया राउंड कलर एंड येलो कलर राउंड शेप एंड येलो कलर हो गया, थर्ड में भी देखोगे ये भी क्या बनेगा राउंड एंड येलो बन रहा है, इसमें भी देखो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है ये भी राउंड एंड येलो कलर का हो गया, इसमें भी देखोगे तो ये क्या हो गया राउंड कलर है राउंड शेप है एंड क्या इसका येलो कलर है, इसका नहीं बन रहा है चलो तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसका भी क्या बन रहा है ये है राउंड एंड येलो कलर, और कोई बन रहा है राउंड ए, हाँ ये भी बन रहा है राउंड एंड येलो कलर बन रहा है, इसमें कितना है ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो भी बनेगा राउंड एंड येलो कलर का बनेगा, और है कोई दोनों में यहाँ कैपिटल कैपिटल ए भी है तो ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो ये भी राउंड एंड येलो कलर, अब देखते हैं टोटल कितना बन रहा है राउंड एंड येलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रेशियो में बना है ये 9 रेशियो में बना, तो ये वाला देखते हैं आर है तो राउंड है तो यहां पर आर है तो राउंड तो ये बन गया राउंड, और ये दोनों स्मॉल वाई है तो उसके लिए ग्रीन तो ये राउंड एंड क्या बना ग्रीन राउंड एंड ग्रीन, और कोई है राउंड एंड ग्रीन ए भी होगा देखो कैपिटल आर है तो ये राउंड होगा एंड दोनों स्मॉल है तो ग्रीन होगा, और कोई है हाँ यहां पर भी बन रहा है ये भी राउंड एंड क्या बन रहा है ग्रीन,
और कोई है नहीं है। ओके दूसरा क्या है, दोनों अगर क्या हो स्मॉल आर, तो स्मॉल आर के लिए क्या होना है रिंकल्ड, तो रिंकल्ड होगा दोनों, अगर स्मॉल आर होगा तो रिंकल्ड, तो ये हो गया रिंकल्ड। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कलर कैसा है, तो ये येलो कलर का है, चलो एक बन गया। अब जब यहां पर भी दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो ये भी रिंकल है, स्मॉल स्मॉल आ रहे हैं दोनों तो क्या हो जाएगा रिंकल, कैपिटल वाई है तो येलो कलर। चलो और है क्या, और एक है यहाँ पर क्या है, दोनों स्मॉल आ रहे तो रिंकल, कैपिटल वाई है तो येलो कलर, तो कितना आ रहा है वन टू थ्री, तो ये भी कितना आ रहा है कि आ रहा है रिंकल, ये आ रहा है रिंकल एंड येलो कलर का कितना रेशियो में बन रहा है थ्री रेशियो में, राइट। लास्ट वाला क्या है, दोनों स्मॉल आ रहे तो ये रिंकल है, दोनों स्मॉल वाई है तो क्या हो गया ये ग्रीन है, तो ये रिंकल एंड ग्रीन, तो ये रिंकल एंड ग्रीन का रेशियो कितना बन रहा है, ये रिंकल एंड ग्रीन का रेशियो कितना रेशियो बन रहा है, ये बन रहा है वन रेशियो में, तो टोटल रेशियो कितना आ रहा है, देखो इसमें जो रेशियो आ रहा है नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन, ये आ रहा है रेशियो में, कौन सा जनरेशन का, ये है एफ टू का, एफ टू में अगर डायहाइब्रिड क्रॉस होगा तो उसका जो रेशियो होगा कौन सा रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, कौन सा फिनोटाइप, फिनोटाइप का नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन। अब जीनोटाइप में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो जीनोटाइप को हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ इसमें फिनोटाइप रेशियो हमें पता होना है, कितना होता है नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री रेशियो वन, ये फिनोटाइप रेशियो है इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस में। नेक्स्ट है मेंडल्स लॉ, तो मेंडल्स के थ्री लॉ हैं, जो थ्री लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है थ्री मेंडल्स का, तो क्या क्या देख लेते हैं, फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस में, अगर हेटरोजाइगस एलील्स है हेटरोजाइगस उसमें अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो डोमिनेंट का ही कैरेक्टर शो होगा उस जनरेशन में, राइट। तो क्या बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस प्रेजेंट है तो अपना ही कैरेक्टर शो करेगा। सेकेंड क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, कौन सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा जो गेनिट है वो कभी भी मिक्स नहीं होता, वो नेक्स्ट जनरेशन में फिर से सेपरेट हो जाता है, तो ये मेंडल का कौन सा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, जो हमें डायहाइब्रिड क्रॉस के सेकेंड जनरेशन में देखा था कि नाइन रेशियो थ्री रेशियो थ्री क्या बना था, उसके फिनोटाइप का रेशियो था, दैट मीन्स जो एलील्स होते हैं या फिर जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन में वो अपने आप को शो कर सकते हैं, तो ये है उसके थ्री लॉस मेंडल का। होमोजाइगस हेटरोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस में क्या होगा जो एलील्स होंगे वो आइडेंटिकल होगा, मतलब सेम टू सेम, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल वी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये सब क्या है आइडेंटिकल है सेम टू सेम, उसको हम क्या बोलेंगे होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस इसमें क्या होगा डिफरेंट होगा, क्या होगा डिफरेंट, डिफरेंट अलील, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट मीन्स अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट अलील प्रेजेंट होगा, हम क्या बोलेंगे हेटरोजाइगस। तो सिकल सेल एनीमिया में जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक डिसीज होता कैसे है, मेल और फीमेल अगर दोनों कैरियर है तो उनके ऑफस्प्रिंग की पॉसिबिलिटी क्या होगा, चलो देखते हैं। यहाँ पर जो मेल है और फीमेल है दोनों कैरियर की तरह काम करेंगे, मतलब वो अनअफेक्टेड है, उसके लाइफ में उतना प्रॉब्लम होगा नहीं, बट वो नेक्स्ट जनरेशन में उस डिसीज को क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं। मेल और फीमेल अगर इनके बीच में क्रॉस होगा तो इनके ऑफस्प्रिंग कैसे हो सकते हैं, तो देखो यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ये एलील है, तो यहां से या तो ये कैपिटल आर ट्रांसफर होगा
या तो ये स्मॉल आर ट्रांसफर दोनों में से एक ही ट्रांसफर हो सकता है, यहां से भी क्या हो सकता है, या तो कैपिटल आर ट्रांसफर होगा या तो स्मॉल आर, दोनों में से एक ट्रांसफर होगा। तो अगर इन केस यहां से कैपिटल वाला आर ट्रांसफर होता है और यहां से भी कैपिटल आर ट्रांसफर होता है तो दोनों आर आर बन गया। अगर यहां से कैपिटल आर ट्रांसफर हुआ बट फीमेल से जो है ये क्या हो गया स्मॉल आर, यहां पर मेल से स्मॉल आर बट अगर फीमेल से कैपिटल आर तो क्या बन सकता है, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, या फिर ये स्मॉल आर तो क्या बनेगा, दोनों स्मॉल आर। अब देखो ये आर आर बन गया मतलब ये तो नॉर्मल बन गया, बट ये दोनों क्या है अभी एक कैरियर की तरह काम करेंगे, ये तो कैरियर है बट ये लास्ट वाला दोनों स्मॉल आर है मतलब ये क्या हो गया अफेक्टेड हो गया। तो उनके जो ऑफिस फ्री में थ्री रेशियो क्या हो जाएंगे, ये तो कैरियर है और ये नॉर्मल है मतलब ये सरवाइव कर जाएंगे, बट ये जो वन रेशियो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनका डेथ हो जाएगा क्योंकि उनके टोटल सेल क्या होगा सिकल सेल मतलब सेल क्या हो जाता है वो इस टाइप का राइट, इस टाइप का सेल होता है, सेल जो होता है वैसा हो जाता है हसिया से। हाँ तो ऐसे चाइल्ड सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये जेनेटिक डिसीज है जो क्या कर सकते हैं नई जनरेशन में ट्रांसफर कर। तो देखो इसमें वन रेशियो एकदम प्योर बन गया, प्योर मतलब नॉर्मल, तो वन रेशियो क्या वन रेशियो टू रेशियो वन ये क्या है जीनोटाइप रेशियो है। तो अगर मैं जीनोटाइप रेशियो की बात करूं तो ये हो गया वन रेशियो टू रेशियो वन, वन रेशियो एकदम नॉर्मल चाइल्ड होगा, टू रेशियो कैरियर की तरह का मतलब ये फिर से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकता है, और वन रेशियो जो अफेक्टेड होगा मतलब वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जेनेटिक डिसीज है सिकल सेल अनेमिया। सेक्स जर्मिनेशन इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में सेक्स जर्मिनेशन होता कैसे है, तो आपको पता है कि टोटल क्रोमोसोम्स होता है 46, इसमें 44 सेम रहता है और ये जो लास्ट वाला जो होता है 2 ये होता है एक्स वाई मेल में और 44 प्लस ये होता है एक्स एक्स ये होता है फीमेल में राइट। तो यहां पर हमें देखना है कि सेक्स जर्मिनेशन कैसे डिसाइड होता है, कैसे पॉसिबल है। तो यहां पर अगर मेल है तो मेल में क्या होगा वाई होगा, अगर फीमेल है फीमेल एक, तो इसको क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, मतलब ये डीएनए कि वो मेल होना है कि फीमेल होना है। तो देखो ये एक्स वाई दैट मींस ये हो गया दोनों अलग अलग है, इसको क्या बोलते हैं हेटेरोजाइगस राइट, दोनों सेम, इसको क्या बोलेंगे होमोजाइगस मतलब सेम टू सेम दैट मींस होमोजाइगस। तो इन दोनों में से या तो एक्स ट्रांसफर होगा या तो वाई ट्रांसफर होगा, ये तो पेरेंट है ये जो है तो क्या है इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, तो एक सब पेरेंट ये दोनों पेरेंट है ये पेरेंट्स हैं। तो इनके ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे, तो या तो एक्स क्रॉस होगा या तो वाई, ये दोनों तो सेम है तो दोनों में से कोई एक, दोनों तो सेम है तो देखो पॉसिबिलिटी क्या होगा, अगर यहां से एक्स क्रॉस हो जाए यहां से वाई यहां से भी एक्स क्रॉस हो जाए तो क्या होगा एक्स एक्स, तो एक्स एक्स मतलब गर्ल होगा, अगर यहां से वाई और यहां से एक्स होगा तो क्या होगा एक्स वाई दैट मीन्स क्या होगा बॉय। रेशियो देखोगे तो वन रेशियो वन में होगा, वन रेशियो वन, वन रेशियो गर्ल वन रेशियो बॉय की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगा। तो ये सेल्फ टर्मिनेशन इसमें बॉय एंड गर्ल हमेशा 50-50% होने की पॉसिबिलिटीज रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।